चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं लेनोवो के 8 प्लस का ओरियो अपडेट करने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें एक नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, नेटवर्क का इशू हो रहा है बहुत सारा। तो अभी नेटवर्क सर्च में जाना है, उसके बाद नेटवर्क को मैनुअली सर्च करना है। ये मैंने भी किया है मैनुअली सर्च, उसके बाद मैनुअली सर्च करके इसको मैनुअली सेट कर देना है। तो मैनुअली सेट करने से आपका नेटवर्क थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैनुअली सर्च करते हैं, चलो अभी सर्चिंग हो रहा है। ये वीडियो मैं मेरा कुछ सब्सक्राइबर और लाइकर दोस्तों के लिए बनाया हूँ मैं, उसका थोड़ा उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए उसका सॉल्यूशन मैं निकाल के लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। स्टिल सर्चिंग, अभी देखो जियो आ गया, जियो 4G, तो उसको सिलेक्ट कर लो। अभी रजिस्टर हो गया, हो जाने के बाद इसको बैक कर लो। तो ये देखो फुल नेटवर्क आ गया मेरा, अभी अभी देखो मेरा फुल नेटवर्क आ गया, नेटवर्क अभी फ्लैगशिप भी नहीं होगा, ठीक है। तो ना है दोस्तों, वो क्या है, वो आपका जो डेटा रोमिंग होता है वो हर वक्त ऑन करके रखना, क्योंकि बहुत प्लेसों में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है और हम लोगों का डेटा भी बहुत स्लो हो जाता है। अगर डेटा रोमिंग ऑन रहता है ना तो डेटा बहुत स्ट्रांग रहता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके लिए डेटा रोमिंग हर वक्त ऑन रखो। अभी बैटरी का भी थोड़ा इशू आ रहा है, तो बैटरी बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, बहुत ड्यूरिंग फास्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, जितने दिन अपडेट नहीं देता है तो इतने दिन एक काम कर सकते हैं हम लोग। ये काम है क्या, बैकग्राउंड में जो सब एप्लीकेशन रनिंग होता है उनको स्टॉप कर दो, फोर्स स्टॉप कर दो, और बैटरी ऑप्टिमाइज जो होता है ओरियो में वो ऑप्टिमाइज ऑन कर दो। ऑन करने से क्या होगा, बैटरी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा और हम लोगों का जो बैकग्राउंड में ऐप रनिंग होता है वो ऐप बैटरी नहीं खा पाएगा, तो बैटरी थोड़ा बहुत ज़्यादा चलेगा। तो अभी देखो सब कुछ ऑप्टिमाइज है, बैटरी भी अभी ठीक ठाक है। देखो फोर्स स्टॉप कर देना है सब ऐप को, जो ज़रूरत है उसको ही बैकग्राउंड में चालू रखो और सब कुछ फोर्स स्टॉप कर दो। एक ऐप को भी मत छोड़ो जो ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा बैटरी बैकग्राउंड में खा जाता है ये सब ऐप रनिंग होके, तो इसीलिए इस सब ऐप को फोर्स स्टॉप कर दो या ऑप्टिमाइज़ कर दो। सब ऐप को अभी ऑप्टिमाइज़ और फोर्स स्टॉप कर दिया तो बैटरी थोड़ा बहुत अभी ठीक ठाक चलेगा। और एक इशू आ रहा है फ़ोन में, जो है फ्रंट कैमरे का इशू। अगर फ्रंट कैमरे से कोई तस्वीर खींचते हैं हम लोग तो तस्वीर ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाता है, और फ्लैश लाइट जो हमारा फ्रंट फ्लैश है वो काम नहीं करता है, मतलब फ्लैश होता है लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी ओपन करता हूँ कैमरा, देखो अभी आ गया, एक देखो तस्वीर खींचता हूँ, अभी पिक्चर क्लिक कर लिया, अभी दिख रहा है ठीक ठाक है। अभी गैलरी से ओपन करो तो देखो पिक्चर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, देखो डार्क हो गया, यह बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार और ट्राई करता हूँ, देखो अभी ब्लैक हो जाएगा, फिर से क्लिक करूँगा फिर से ब्लैक हो जाएगा, ये देखो। तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं, बग रिपोर्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड मतलब गूगल में, और वेट कर सकते हैं इसका अपडेट आने तक। इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते, और फ्लैश ऑफ करके जितना चाहे तस्वीर थोड़ा बहुत खींच सकते हैं तो तस्वीर ठीक ठाक आएगा। फ़ोन में एक और इशू आ रहा है जो है स्लो चार्जिंग का, तो उसका भी सॉल्यूशन है। पहले एरोप्लेन मोड ऑन करो, उसके बाद फ़ोन को चार्ज करो। देखो अभी मेरा 41% चार्ज है, इस वीडियो को बीच में जाने तक 1% चार्ज हो जाएगा। और या फ़ोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करो तो फ़ोन हीट भी नहीं होगा और फ़ोन चार्जिंग भी फर्स्ट फर्स्ट होगा। और एक इशू आ रहा है वो है मल्टीटास्किंग का, वो तो मेरे फ़ोन में तो नहीं आ रहा है वो इशू, लेकिन कुछ फ्रेंड का आ रहा है। तो ऐसा काम करो, फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करके यूज़ करके देखो, वो ठीक हो जाएगा। अभी मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अभी देखो ये अभी मल्टी स्क्रीन ऑन किया मैं, अभी इसको
कर लिया। अब ये कैलेंडर भी ओपन कर लिया, मैं कैलकुलेटर भी कर लिया, तो दो ही काम हो रहा है मेरे यहाँ। मल्टी विंडो स्क्रीन ऑन हो गया है, तब ये तो मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी किसी दूसरे फ्रेंड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करके देख सकते हो, शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या वेट करो एक अपडेट आने तक, वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा रिसर्च करके मैं ये सब कुछ ट्रिक आप लोगों के लिए लाया, और अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम भी हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसका सलूशन निकलने की कोशिश करूँगा। इसमें थोड़ा अच्छा भी फीचर्स दिया है, जैसे इसका ग्राफिक्स, बैटरी का ग्राफिक्स और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत। इसमें देखो नेटवर्क का ऑप्शन भी बहुत अच्छा आ गया है, सब कुछ यहाँ आ गया है, VPN करके सब कुछ। और इसमें अभी देखो डिस्प्ले में बहुत सुंदर आ गया है सब कुछ, यहाँ से आप सब मैनेज कर सकते हो, VR के लिए भी मैनेज कर सकते हो। और यहाँ देखो साउंड ही भी बहुत, साउंड के लिए भी सब सिस्टम है, एडवांस में जा सकते हो। और इसका जो मेन पार्ट है साउंड भी बहुत बढ़िया हो गया है। अभी इसका जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया कर दिया है अभी। अभी देखो प्रोटेक्ट बाय गूगल और फाइंड, गूगल फाइंडर, यहाँ सब कुछ है, फाइंड बाय गूगल सब कुछ होता है, यहाँ आप सब कुछ ऑन कर सकते हो। फाइंड माय डिवाइस मतलब गूगल का जो गूगल फाइंड डिवाइस है उससे सर्च कर सकते हो। सिक्योरिटी अपडेट देखो, सब कुछ यहाँ बहुत बढ़िया है, इसमें सिर्फ ख़राबी नहीं है, सब कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है हम लोगों को, नया है, लेकिन इसमें अच्छा चीज़ भी है बहुत कुछ, इसमें सीखने वाले बहुत चीज़ है, आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। अभी देखो मैं बोला था ना बैटरी बहुत जल्दी भी 2% हो जाए, अभी ये बैटरी भी 2% हो गया है मेरा, 42 हो गया है। और देखो ऐप भी यहाँ से आप लोग कर सकते हो ऑप्टिमाइज़, ऐप को स्टॉप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ से। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, और मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ। अभी फ़िलहाल इतना ही, अगर कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। जय हिंद बंदे।